चौहान, टेक टीवी, पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर, टेक टीवी, पाकिस्तान। अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दो। फर्रुख सिद्दीकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। एहतशाम राणा, टेक टीवी, पाकिस्तान। वजीर आजम मुतल्लिक किया गया। लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच, टेक टीवी, पाकिस्तान। कौकब फारूकी, टेक टीवी, पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफ़ातर में हफ्तेवार तातील दो की बजाय एक दिन कर दी। शहबाज शरीफ का मुबारकबाद पर मोदी को शुक्रिया। पुरअमन तालुकात का पैगाम दे दिया। कहा, भारत के साथ पुरअमन और बाहमी तआवुन पर मबनी तालुकात के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबिना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुशावरत और तआवुन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का दौरा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कराची जाने का प्लान तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में तरक्याती मनसूबों की हिकमत अमली के लिए मुशावरती अमल की सदारत भी करेंगे। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। इमरान खान कहते हैं, पिशावर के लोगों, कल आपके पास आ रहा हूं, जलसे में अवाम से सारी बातें करूंगा। फिच रेटिंग ने पाकिस्तान में सियासी उतार चढ़ाव को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खदशा करार दे दिया। मौजूदा सूरत हाल में आइंदा इंतखाबात 2023 के वक्त में मुतवक्के हैं। पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पीआईए ऑस्ट्रेलिया के लिए 22 अप्रैल से बराह रास ऑपरेशन शुरू करेगी। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट, इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। से नो टू बल्की प्लास्टिक जग्स एंड बॉटल्स। नो मोर मेजरिंग एंड स्पिलिंग। Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स With Allstate। कनाडा में अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए आपके पास एक तजर्बाकार और काबिल एतमाद रियल्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो होम लाइफ ड्रीम रियलिटी के कम्पेटिटिव पैकेज से जरूर फायदा उठाइए और प्रेसिडेंट एंड ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड शकील आलम को 4167271624 पर जरूर राब्ता कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकाम के बाद अब सरकारी दफातर में हफ्ते में सिर्फ एक तातील होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते में दो सरकारी तातीलात ख़त्म कर दी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मंसब नरेंद्र मोदी की मुबारकबाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी थी, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन और बाहमी तआवुन पर मबनी ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में जम्मू कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के पुरअमन हल को नागुज़ीर करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं। वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया कि आए अपने आवाम की समाजी मौशी तरक्की पर तवज्जो दें। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी दफातर में हफ्तावार तातील दो दिन के बजाय एक दिन कर दी। वज़ीर आज़म ने सरकारी दफातर में रमज़ानुल मुबारक में काम के औकात
सुबह 10 बजे से शुरू करने के बजाय सुबह 8 बजे से करने का हुक्म भी दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के अहदों में दिलचस्पी का इजहार कर दिया, जबकि नून लीग की जानिब से पीपी को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादी जमातों से मशावरत मुकम्मल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन से काबीना की तश्कील पर अहम मशावरत की। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इसी जज्बे और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ेंगे, जिसके जरिए इस मंजिल तक पहुँचे हैं। इत्तेहाद, मशावरत और तआवुन के जज्बे से चलेंगे, मिलकर मसाइल हल और वादे पूरे करेंगे। मुलाकात में एमकेएम की जानिब से वसीम अख्तर, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शरीक थे, जबकि वजीर आजम के हमरा राणा सनाउल्ला, ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और मरियम औरंगजेब मौजूद थी। वजीर आजम की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई और तय पाया कि आने वाले चंद दिनों में वजीर आजम एमकेएम के मरकज कराची बहादराबाद जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के अहदे में दिलचस्पी का इजहार कर दिया, जबकि नून लीग की जानिब से पीपी को वजारतें लेने पर आमादा किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी हैं। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक वफाकी वजारतें लेने पर हामी नहीं भरी है। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ 13 अप्रैल को कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। कराची में वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मजार कायद पर हाजिरी देंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान करदा तारीख से एक दिन पहले कराची जाने का फैसला कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने ऐलान करदा तारीख से एक दिन पहले कराची जाने का फैसला किया है। इमरान खान इतवार 17 अप्रैल के बजाय एक दिन पहले हफ्ता 16 अप्रैल के रोज़ कराची जाएंगे, जहां रात 9 बजे कराची के आवाम से खिताब करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपने खिताब में आइंदा का लायहा अमल देंगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची का जलसा मजार कायद पर होगा और इंशाल्लाह कराची अपने कप्तान के साथ खड़ा है। दूसरी जानिब वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ 13 अप्रैल को कराची का एक रोजा दौरा करेंगे। कराची में वजीर आजम शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मजार कायद पर हाजिरी देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मजार कायद के दौरे का मकसद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए कायद आजम के वजा करदा सुनहरी उसूलों की पैरवी का अदा करना है। इसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ वजीर आला हाउस भी जाएंगे, जहां वजीर आला सिंध मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। वजीर आजम वजीर आला हाउस सिंध का दौरा करेंगे। वजीर आजम कराची में तरक्याती मंसूबों की हिकमत अमली के लिए मशावरती अमल की सदारत भी करेंगे। वजीर आजम मजार कायद पर हाजिरी के साथ साथ एमक्यूएम के मरकज बहादराबाद भी जाएंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि कौम अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत खुद करती है, कोई फौज या बाहर की कुव्वत नहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि एक साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई, कौम अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत खुद करती है, कोई फौज या बाहर की कुव्वत नहीं। अपने वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा है कि पेशावर के लोगों, कल आपके पास आ रहा हूं। साजिश के जरिए एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साजिश के जरिए हुकूमत हटाए जाने के बाद ये हमारा पहला जलसा होगा और इसी जलसे में मैं आपसे ये सारी बातें करूंगा। इमरान खान ने कहा कि कौम अपनी आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत खुद करती है, जमहूरियत की हिफाजत कोई फौज या बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता, कोई फौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती, कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग ने पाकिस्तान में हुकूमत की पुरअमन तब्दीली का खैर मकदम करते हुए मईशत को दरपेश चैलेंजेस की निशानदही की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एजेंसी के मुताबिक अथॉरिटीज़ की पॉलिसियों का मरकज़ पाकिस्तान की वस्त मुद्दती गैर मुल्की कर्जों की रीफाइनेंसिंग की सलाहियत को बेहतर बनाना है।
जैसा कि फिच ने फरवरी 2022 में पाकिस्तान की रेटिंग बी माइनस स्टेबल करार देते वक्त अंदाजा पेश किया था। फिच ने पाकिस्तान के करंट अकाउंट खसारे के बारे में अपनी पेशगोई में भी तब्दीली कर दी है। फिच ने कहा है कि फरवरी 2022 में फिच ने पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा रवा माली साल के अख्तितम तक GDP के 5% यानी 18.5 अरब डॉलर के मसावी रहने का इम्कान जाहिर किया था। ताहम अब आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी से यह खसारा GDP के 4% तक रहने का इम्कान है। पाकिस्तान को रवा माली साल गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 20 अरब डॉलर दरकार हैं। फिच के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2023 में गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के लिए 20 अरब डॉलर की ज़रूरत है, जिसमें चीन और सऊदी अरब के 7 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स शामिल हैं, जिनके बारे में एजेंसी ने इम्कान जाहिर किया है कि वो रोल ओवर हो जाएंगे। PIA ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए 22 अप्रैल से बराह रास्त ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 24 अप्रैल को सिडनी से लाहौर के लिए पहली परवाज ऑपरेट की जाएगी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक PIA ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए 22 अप्रैल से बराह रास्त ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली। 24 अप्रैल को सिडनी से लाहौर के लिए पहली परवाज ऑपरेट की जाएगी। तर्जुमान ने बताया कि माहदे से ऑस्ट्रेलिया के 8 मुकामात को भी मुसाफरों के लिए काबिल रसाई बनाया गया है। शहरों में एडिलेड, ब्रिस्बेन, कैनबरा, बालिना बायरन, होबार्ट, कैरविंस और पर्थ शामिल हैं। याद रहे 7 अप्रैल को कौमी एयरलाइन PIA ने रवा माह से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के लिए बराह रास्त परवाजों के आगाज का ऐलान किया था। इससे कबल तर्जुमान PIA ने कहा था कि सिडनी के लिए बराह रास्त परवाजों से वक्त की बचत के साथ साथ मुसाफरों को सामान की मद में भी सहूलत दी जा रही है। तर्जुमान के मुताबिक सिडनी के लिए इकोनॉमी क्लास के मुसाफरों को 45 किलोग्राम जबकि एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी क्लास के मुसाफरों को 55 किलोग्राम सामान ले जाने की इजाज़त होगी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। शाहान टेक टीवी पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। अहमद मंजूर टेक टीवी पाकिस्तान अपने हाथ में राय में आपको सस्पेंड कर दूं। फर्रुख सिद्दीकी टेक टीवी पाकिस्तान, एहतशाम राणा टेक टीवी पाकिस्तान, वज़ीर आज़म मुखल्लफ किया गया, लेके आएंगे तहरीके अदम एतमाद। मरियम साहिबा कहती है मेरे पास टेपे हैं। मुझे लगता है आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। बेरोजगारी में इजाफा होगा। अमजद बलोच टेक टीवी पाकिस्तान, कौकब फारूकी टेक टीवी पाकिस्तान।